मैं रोशन और आप देख रहे हैं रोनी टाइम्स। निर्दलीय पप्पू यादव जी जीतते हैं और वो जाते हैं दिल्ली प्रियंका गांधी से मिलने और पता चलता है तब तक बिहार में उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। इस मामले में अब कितनी सच्चाई है वो तो पुलिस छानबीन में जुट गई है और विशेष जैसे मतलब पप्पू यादव को ये चीज़ पता चला तो पप्पू यादव ने उन्होंने इसका खंडन किया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं, साजिश के तहत मुझको फंसाया जा रहा है। लोगों को लगने लगा फिर से कि क्या वाकई में पप्पू यादव फिर बाहुबली वाले रूप में आ गए क्या। जी हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, एक समय पप्पू यादव बाहुबली था, बाहुबली से एकदम से पप्पू यादव जी आ जाते हुड छवि में। जब रॉबिन हुड छवि में पप्पू यादव आते हैं तो पटना में बाढ़ आता है और उस बाढ़ में कोई नहीं निकलता है, पप्पू यादव वहाँ जाते हैं मदद करते हैं लोगों की और पप्पू 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 होने लगता है लोगों की जुबान पे। उसके बाद कोरोना काल में जो अपने गार्जियन अपने पेरेंट्स का अर्थी लेने से लोग इनकार करते थे, वो पप्पू यादव जी डोजर से लाश को गरवाते थे, जलवाने का काम करते थे। और इतना मसीहा होने के बाद और यही मसीहा के कारण पप्पू यादव इस बार भारी मतों से पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव जीते हैं एक समय के बाद। जी हाँ, कहीं दूर दूर तक लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय का नाम नहीं होता था, जो इस बार पप्पू यादव ने 2024 में फिर से इतिहास रचने का काम किया। और फाइनली जैसे वो दिल्ली जाते हैं उन पे FIR दर्ज हो जाता है। पूर्णिया के व्यवसायी है माँ फर्नीचर वाले, वो उन पे आरोप लगाते हैं 1 करोड़ रंगदारी का। पप्पू यादव के खिलाफ सोमवार के मुसफिल थाना में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने की प्राथमिक दर्ज हुई, जिससे पूर्णिया लोकसभा में हड़कंप मच गया कि आखिर ये क्या हो गया। लोगों में बहुत सारी अब आपस में ही गुनगुनाने लगे ना लोग कि क्या हो रहा है यार, वाकई में ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता, कि वाकई में सही में फिर से ये वो दौर तो नहीं आ रहा है, शायद हमने पप्पू यादव को जिता के गलत तो नहीं किया, मतलब होता है ना, लोग आपस में बात करने लगे और ये बहुत तेज़ी से हवा फैल गया। जिस व्यवसायी ने आरोप लगाया है पप्पू यादव पे, उन्होंने कहा है कि 2021 और 2023 में उन्होंने रंगदारी मांगा था। व्यवसायी ने पप्पू यादव पे FIR दर्ज करवाया है, उसका कहना है कि सब प्रथम 2 अप्रैल 2021 को खुद वर्तमान सांसद द्वारा उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। 23 दुर्गा पूजा के दौरान जब मोबाइल व्हाट्सएप पे कॉल आया, 15 लाख रुपये और 2 सोफा सेट मांगा गया और इस दौरान धमकी भी दी गई और गाली गलौज भी किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान 6 अप्रैल 2024 को सांसद पप्पू यादव के खास सह मधेपुरा निवासी अमित यादव मोबाइल पर करीब 10 से 15 कॉल कर सांसद के कार्यालय सह आवास पर पहुंचने व 25 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई। 6 अप्रैल की घटना है। इधर 4 जून को मोबाइल संख्या नंबर, इसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया हुआ है, से फर्नीचर व्यवसायी के नंबर पर फ़ोन कर यह धमकी दिया गया, अगर 5 साल पूर्णिया में रहना है तो तुम्हें 1 करोड़ देना होगा। जी हाँ, अगर 5 साल तुम्हें पूर्णिया में रहना है तो तुम्हें 1 करोड़ देना होगा, नहीं तो तुम्हें पूर्णिया छोड़ के जाना होगा। कि अगर पूर्णिया में 5 साल तुम्हें रहना है तो 1 करोड़ रंगदारी देना ही पड़ेगा। व्यवसायी के मोबाइल पे कॉल आता है। इधर पप्पू यादव को जैसे ही पता चलता है उन्होंने बात को खंडन किया और बोलता है कि नहीं, ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, मेरी राजनीतिक कद बढ़ रही है, इसके लिए कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए यह गहरी साजिश है। मैं यही कहूँगा कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता चले। अगर मैं सत्य उसमें पाया जाता हूँ तो मुझे फांसी दी जाए। और रहा अमित यादव की बात जिसका जिक्र किया गया है, तो अमित यादव को मैं नहीं जानता हूँ, ये पप्पू यादव जी का कहना है। फाइनली पुलिस छानबीन में लग चुकी है, सत्यता क्या है पुलिस 1-2 दिन में जांच करके बता ही देगी कि वाकई में क्या सच्चाई है या सारी अफवाह है, झूठी है, मनगढ़ंत कहानी है, व्यवसायी द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है, एक सांसद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी तो ये पुलिस की जांच में ही पता चलेगा, बाकी जैसे अपडेट आता है मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या या सरासर साजिश है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।